एसबोल चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। निकल भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नया ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी विलेज एक्टिविटी में। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें। और एक पहाड़ी नुस्खा आपको दिखाता हूँ। अम्मा ने जैसे खाना खा लिया, अम्मा आवाज़ लगाएगी कुत्ते को या मुर्गियों को तो सीधा कैसे आएंगे देखना। अभी अम्मा आवाज़ लगा रही है, बुला। ये देखो अम्मा लाई है मुर्गियों के लिए भात और मुर्गियाँ, पता नहीं कहाँ चल रही है। अम्मा आवाज़ लगाएगी फिर देखना कैसे भाग के आती हैं। लगा आवाज़ लगा और ये मुर्गियाँ पहुँच चुकी हैं। देखना अम्मा ने आवाज़ लगाई और मुर्गियों के साथ साथ जो है कि पंछियाँ, ये गौरैया भी पहुँच चुकी है यहाँ पे खाना खाने। मुर्गियों का खाना झपट्टा करेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, हमने बनाया था इधर अम्मा औरों के लिए आलू बोने वाला पूरा ये टेंट। देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये टेंट लगा है, इसके अंदर जो है कि आलू बो दिए हैं अम्मा औरों ने। और लगभग 2-3 महीने बाद इसमें आलू की खेती जो है कि पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और एक टेंट नीचे भी लगाया है, वहाँ भी दिखाता हूँ आपको। ये वाला टेंट जो है कि नीचे लगा रखा है, पूरा नेट है, इंसेक्ट नेट बोलते हैं इसे। वैसे पहाड़ में वैसे जाल जाल बोलते हैं, इंसेक्ट नेट है पूरा। इसके अंदर एक मतलब कीड़ा भी नहीं जा सकता। और जो है कि गांव में मेन जो है कि बंदरों के लिए बनाया गया है। और ऊपर तो बो रखे हैं हमने आलू, यहाँ आलू बो रखे हैं और यहाँ पे धनिया और जो है कि पालक और लहसुन की खेती की है। या भी जाते हैं यहाँ से ऊपर को, दिखाते हैं आपको यहाँ इस जाल में। इस जाल में अभी फ़िलहाल जो मूली बो रखी थी वही है। और एक फूल है ये पुरीबो के घर पे हमारे, जो कि उत्तराखंड में ये इसी घर में मिलेगा और इसी गांव में मिलेगा। और कहीं ये फूल आपको दिखे तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपके पास ये फूल है। ये बहुत महंगा फूल है, इसका पौधा जो है कि हम ब्राज़ील से लेके आए हैं इसका पौधा, क्योंकि हम ललित के घर पे। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ छोटे छोटे खरगोश पाल रखे हैं ललित ने। दूसरा कहाँ है? ये दूध पी रहे हैं अभी, इसे इधर दिखा। अरे बाप रे, ये जंगली खरगोश हैं। और सोच में जो है कि जब घास कटान लगी थी गांव में तो ये मिल गए थे वहाँ जंगल में। यार ये दोनों खरगोश जो है कि अभी घास खा रहे हैं, दुब घास। ये कितना खुश हो रखा है इन्हें देख के। तो इतना खुश क्यों है रे? उधर उधर खरगोश को करो। ये मैं अपने खरगोश को खाता हूँ। ये तेरा वाला है? हाँ, ये मेरा है, वो उसका है। अच्छा, तेरे मामा के हैं दोनों ये? मेरे मामा ने देना है मुझे घसकोट के लिए। घसकोट के लिए देना है? क्या करेगा तू इसका? दिल्ली के लिए। तो दिल्ली लेके जाएगा इसे? हाँ। तो क्या करेगा रे? प्यार कर रहे हैं। तो क्या करेगा इसके? उनका मैं खाना दूंगा। खरगोश को खाना देगा? हाँ। तो यहाँ नहीं मिल लगे ना खाना? दूध तो दूंगा वहाँ, दूध भी तो है। दूध भी है वहाँ? तो यहाँ भी तो है दूध। देख दो दो भैंस बांध रखी है तेरी अम्मा ने यहाँ पे, देख। है ले जाएगा तू एक को? चल ठीक है, एक को ले जाएगा तू। शाम के बज गए हैं अभी लगभग 4:30। और देख सकते हैं हम मेरे पीछे पूरा गांव में, देखिए अभी धूप खिली थी, पूरा फॉगी फॉग हो चुका है। बहुत ठंड है इस अभी गांव में। और अम्मा नाराज है अभी, अम्मा गई थी खेत में और सारी बकरियां जो अम्मा ने ऊपर छत में फूल लगाए थे सारी बकरियां खा चुकी है। और अम्मा और क्या छतम लखाया सारा अम्मा छतम जान लखाया अम्मा परेशान है थोड़ा। ओहो, अम्मा ने छत में फूल लगाए थे, ये फूल सारी बकरियां चट कर गई है। ओहो, ये तो खेचा जो तेड़ू लगोल है।
तेड़ू की बेल भी जो है कि बकरियों ने काट दी है इधर। अम्मा परेशान है, अभी गुस्से में है, परेशान की बहुत गुस्से में है अम्मा।